दो कप गेहूं का आटा, एक चौथाई कप रवा, आधा चम्मच के करीब अजवाइन, नमक, मिर्ची पाउडर, दो चम्मच घी, अच्छे से सबको मिला लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंद लेंगे। एक चम्मच धनिया, 10 से 12 काली मिर्च के दाने, आधा छोटा चम्मच सौंफ और एक लाल मिर्च, सबको धीमी आंच पर रोस्ट कर लेंगे। एक कटोरी उड़द दाल, कलर चेंज होने तक भूनना है। कढ़ाई में तेल चढ़ाएंगे, उसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे, फिर लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और दाल जो हमने पीस ली थी उसको डालेंगे, नमक डालेंगे उसमें। अब जो मसाला हमने ड्राई रोस्ट किया था ना वो मिलाएंगे। अब 2 चम्मच के करीब दालें कटोरी में निकाल लेंगे। अब थोड़ा पानी मिला के दाल पका लेंगे ताकि दाल थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। अमचूर पाउडर, अब जो 2 चम्मच हमने निकाला था दाल वो मिक्स कर लेंगे और दाल का ऐसे लड्डू बना लेंगे। अगर नहीं बन रहा है तो हल्का सा पानी छिड़क देना